अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज मेहर, वेलकम टू माय चैनल शेख मेहर 777। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज हम आपको बनाना बता रहे हैं स्प्रिंग ऑनियन पराठा लच्छेदार, बहुत ही टेस्टी है और झटपट से बन जाएगा, मुझे उम्मीद है जरूर आपको पसंद आएगा। चलिए उसके लिए क्या क्या इंग्रीडियंट्स लगेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए मैंने एक कटोरी मैदा ली हूँ, ये देखिए ये इससे नाप के मैंने ली हूँ। अगर आप अपने अंदाजे से लेना चाहते हैं तो दो तीन पराठे का जितना आटा सानते हैं उतना ले सकते हैं। छोटी सी दो डंकाली मैंने हरी प्याज की स्प्रिंग ऑनियन जो आती है उसकी लेके बारीक बारीक मैंने चॉप कर दी थी। हरी मिर्ची चॉप करी हुई है, वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। मैंने एक टीस्पून ली हूँ, नमक टेस्ट के हिसाब से जाएगा, थोड़ा सा ऑयल जाएगा इसके अंदर और फ्राई के लिए ऑयल लगेगा। चलिए इसका मेथड मैं आपको बता देती हूँ। देखिए सबसे पहले हम एक बॉल में मिर्ची जो चॉप करी हुई है वो ले लेंगे, चॉप करी हुई प्याज ले लेंगे जो स्प्रिंग ऑनियन है वो ले लेंगे और थोड़ा सा हम इसमें नमक डालेंगे। नमक हम अपने टेस्ट के हिसाब से डाल रहे हैं और आटे में भी नमक रहेगा इसलिए ध्यान रखिए कि नमक ज्यादा ना हो जाए। और एक टेबल स्पून हम इसमें ऑयल डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके इसे साइड में रखेंगे। हम आटा गूंद लेंगे, जो मैदा है उसका आटा गूंद लेंगे हम। ये देखिए इसको साइड में रख देंगे, जो मैदा है मैदा में हम नमक डाल देंगे। नमक हम अपने टेस्ट के हिसाब से डाल रहे हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए जितना आप पराठे में या किसी चीज में खाते हो। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद में दो तीन एक टेबल स्पून के जितना ऑयल डाल दीजिए इसमें और हाथ से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसे जैसे आटा गूंदते हैं वैसे गूंद लेंगे और ज्यादा थिक भी नहीं करना, ज्यादा कड़क भी नहीं रखना, ज्यादा नरम भी नहीं करना, जैसे कि पूरी या पराठे के लिए लेते हैं वैसे ही लेना है। ये देखिए मैदे को अच्छे से हमने गूंद लिया है और इसको हम 10 से 15 मिनट रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। फिर उसके बाद में बेल के किस तरह से बनाना है वो हम आपको बताएंगे। देखिए आटा हमारा 10 मिनट रेस्ट हो चुका है, इसकी हम लोई बना लेंगे, चार लोई बना लेंगे बराबर बराबर। और चार लोई बना के जैसे चपाती बेलते हैं या पराठा बेलते हैं उसी तरह से हमें बेलना है। ये देखिए लोई बना ली, चार बना ली, इसको हम साइड में रखेंगे। हल्का सा सूखा आटा लगा के हम इसपे इसको बेल लेंगे। पराठे को बेल लिया है, इसमें जरा सा ऑयल डालेंगे और ब्रश से पूरा पराठे पे कवर कर देंगे और इसको साइड में रखेंगे। थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे, थोड़ा सा डालना है, ज्यादा नहीं डालना। और जो हमने ये बना के रखा है, हरी मिर्च है, चॉप करी हुई स्प्रिंग ऑनियन है और थोड़ा सा नमक है और ऑयल है, ये हम डाल देंगे। ये देखिए इस पे ये डाल के चारों तरफ अच्छे से आ जाए और इसको आधे में कर देंगे और इसको इस साइड करके और हमें इसको पिज्जा कटर जो आता है उससे काटना है। देखिए पिज्जा कटर से मैंने ऐसे काट ली, अब आहिस्ते से इसको हम वापस उठा देंगे ये और ध्यान से एकदम इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ये फोल्ड करके और थोड़ा सा हमें टर्न करना है कि इस पे ना लेयर जैसी पराठे पे आए और लेयर जैसी ऐसे पूरा फोल्ड करने के बाद में इसको जैसे चक्री बनाते हैं ऐसे बनाना है। ये देखिए पूरा और ये नीचे ऊपर के पार्ट्स को ऊपर लाना है, नीचे को इसको ऐसे प्रेस कर देंगे, ये दबा देंगे, एक ऊपर हो गया एक नीचे। हल्का सा हम सूखा आटा लगाएंगे और फिर वापस से इसका पराठा बेल लेंगे और पराठा बेलते धीरे धीरे हाथ से बेलना है। देखिए दबा के नहीं बेलना है और हल्का सा सूखा आटा इस पे आपको लगाना है। ये देखिए ऐसे हम बेल लेंगे, साइज आपको चॉइस आपकी है, साइज जिस तरह से बनाना है उतना बना सकते हैं। और इतने हम इसको चूल्हा हमने चालू कर दिया है, पैन उस पर रख दिया है, पैन गरम हो चुका है। अभी हम इसको पराठे को इसमें आहिस्ता से उठा के इसमें डाल देंगे और दोनों तरफ से पहले ऐसे ही सेकेंगे
और फिर उसके बाद में हम ऑयल डाल के सेकेंगे। देखिए इतने हम दूसरा एक बना लेते, इतने ये सिक रहा है। देखिए ऐसे घुमा के इसको हम दूसरी तरफ से इसे पलट देंगे और इसे भी ऐसे होने देंगे। और इतने हम इसको ऑयल डाल के दूसरा पराठा रेडी कर लेते हैं। थोड़ा सा सूखा आटा वापस से डाल देंगे, जैसे मैंने दूसरे पराठे में बताई हूँ आपको, ये डाल के थोड़ा सा, और जैसे कि उस पराठे में बताई हूँ वैसे ही करना है। एक दूसरा इसलिए बता रही हूँ, कभी आपको समझ में नहीं आया तो आप देख सकते हैं। और इसको ऐसे कवर कर देंगे, हल्का सा कट लगाएंगे। आपको ध्यान रखना पूरा कट नहीं लगाना, यहाँ से आपको छोड़ना है। और ये इसको ऐसे करके और फिर इसकी लोई बनानी है। लोई बना लेंगे और लोई बना के वो हम बाद में बेलेंगे। पहले पराठा पैन में जो है वो हो चुका है, थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे। आपको ज्यादा ऑयल डालना है तो ज्यादा डाल सकते हैं, ऑयल क्या देसी घी में भी बना सकते हैं। पराठा देसी घी में बहुत ही अच्छा लगता है। और इसको धीरे धीरे से हम दबा दबा के इसको फ्राई करेंगे, इसको दबा दबा के हम फ्राई करेंगे। और फ्राई दोनों साइड से अच्छा हो जाए गोल्डन ब्राउन कलर जब तक हमको इसको फ्राई करना है, ताकि अंदर से कच्चा ना रहे। देखिए अच्छे से ये सीख गया है, इसको रख देते हैं। अब ऐसे ही हम दूसरा सेक के और सारे सेक के हम आपको बताते हैं। देखिए स्प्रिंग ऑनियन पराठा हमारा तैयार है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत खाने में उतना ही टेस्टी है, यमी है, जरूर ट्राई कीजिए। अगर मेरे आइडिया और मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दुआओं में मुझे याद रखिए, कमेंट्स भेजना मुझे नहीं भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।